नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रिकगल आपके साथ और क्रिकेट की दुनिया की सारी खबरें लेकर के एक बार फिर से। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच में 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के एमसीएस स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर के पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने कप्तान विराट कोहली के नाबाद 254 रन के बूते 5 विकेट गंवा करके 601 रन पर अपनी पहली पारी घोषित की। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। आपको बता दी कि मेहमान टीम 3 विकेट गंवा करके 36 रन बना चुकी है। वहीं बात करें अगर विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय कप्तान ने अपने टेस्ट करियर का 7वां दोहरा शतक लगाया। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन भी पूरे कर लिए। वहीं दोस्तों, टेस्ट में 150 से ज्यादा रन बनाने के बादशाह बने कोहली। विराट कोहली ने दोहरे शतक वाली पारी से कप्तान के रूप में टेस्ट में सबसे ज्यादा 150 प्लस की पारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की डॉन ब्रैडमैन और दक्षिण अफ्रीका के ग्रीन स्मिथ, श्रीलंका के महिला जयवर्धने, ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क और वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा को पीछे छोड़ा। ब्रैडमैन ने 8 और बाकियों ने 7 बार टेस्ट में 150 रन से ज्यादा के स्कोर बनाए थे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर शेयर करें। साथ ही इस खबर को बाकी सबके साथ भी शेयर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।